राजस्थान री कड़ी खाएड़ी है। तो आज हम राजस्थान री फेमस कड़ी बनाएंगे। ये देखिए, मैंने एक मतलब कि प्याले में एक पूरा भर के दही ले लिया है। गाढ़ा सा दही था, उसमें 2 ही चम्मच वो खाने वाले 2 चम्मच होते हैं ना, वो 2 चम्मच मैंने इसमें बेसन डाल लिया है। और ये 1 चम्मच मैंने तेल में जीरा राई तड़का लिया है। इसको मैंने, ये घोटनी है, इसको हम घोटनी बोलते हैं। इस घोटनी से हमने इसको अच्छे से मिला लिया बेसन को दही के अंदर, एक मेक हो गया है दही और बेसन। अब राई भी तड़क गई है, तो अब राई के अंदर हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे। राई एकदम तड़क चुकी है तेल के अंदर, तेल एकदम गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी मिर्ची, आधा चम्मच जितनी मिर्ची डाली है, लाल मिर्च पाउडर, और मिलाया है इसको। और ये पेस्ट मैंने जो घोल बनाया था दही और बेसन का, वो घोल भी डाल दिया है इसके अंदर। देखिए, अब हम इसमें क्या है कि जितना उस प्याले में मैंने दही लिया था, बेसन का घोल लिया था, वो पूरा भर के मैं इसमें पानी भी डाल दूंगी। अब 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है, वो भी खाने वाला ही था। एक जो खाने वाला चम्मच होता है ना, वो 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और जिस मतलब कि ये कढ़ी है ना, इतनी स्वादिष्ट, इस मेजरमेंट से करोगे ना, इतनी स्वादिष्ट होगी कढ़ी, और पतली भी नहीं होगी ना ही वो, भाई किसी के कभी कभी क्या है कि वो गाढ़ी हो जाती है, तो गाढ़ी भी नहीं होगी और पतली भी नहीं होगी। ये देखिए मैंने डाल दिया, अब इसको मिला देंगे अच्छे से। ये देखिए घोटनी से मैं इसको हिला रही हूँ। ये धीरे 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 अच्छे से पक जाएगी। वैसे यहाँ पे राजस्थान में तो ना, इसको कढ़ी के साथ साथ खाटो भी बोलते हैं। कौन कौन से जगह पर कढ़ी को क्या क्या बोलते हैं, कोई कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि और क्या क्या बोलते हैं इसको। हम तो यहाँ पे कढ़ी बोलते हैं, ये सर्दियों में गरम गरम खाते हैं ना, तो इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी। अब 1 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, ताकि कढ़ी में हल्का पीला कलर आ जाए पकने के बाद। ये देखिए मैंने अच्छे से मिला दिया है इसको, एक भी लम्स नहीं है, अच्छे से मिला के फिर धीरे धीरे हिलाते रहेंगे, बस चलाते रहेंगे। ये देखिए, और धीरे धीरे ये हिलाते रहेंगे, तो ये कढ़ी क्या है कि फटेगी नहीं, और अच्छे से एक मेक होके अच्छे से बन जाएगी। हिलाना पड़ता है इसको, बस ऐसे घुमाना पड़ता है, इससे क्या है कि कढ़ी अच्छी बनती है। इसमें जो दही और या छाछ हम जो भी यूज करते हैं ना, वो फटता नहीं है। ये देखिए, ये बनने बस थोड़ी सी देर है, बनने ही वाली है। हम हिला के ऐसे कढ़ी बनाते हैं ना, तो हमें कितना टाइम लगता है, 5-7 मिनट लगते हैं और कढ़ी बन जाती है झट से, और स्वादिष्ट भी बहुत होती है। मुझे बेसन की कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। नहीं, इसके अलावा हमारे यहाँ पे बाजरे से भी बनाते हैं, गेहूं से भी बनाते हैं, और तीनों को मिक्स, आटे को तीनों को मिक्स करके भी कढ़ी बनाते हैं। अलग अलग होती है, उनका स्वाद भी अलग अलग ही होता है। ये देखिए पक गई है कढ़ी, कढ़ी में उबाल आ गया है अच्छे से। ये देखिए तैयार है हमारी कढ़ी एकदम, ये देखिए बन गई है। इसमें मैंने कुछ धनिया पत्ते रखे हुए थे काटे हुए, तो डाल दिए। अगर नहीं है तो पाना मेथी भी डाल सकते हैं इसमें। आप खुद ही देख लो कढ़ी का टेक्सचर कैसा है, कैसी बनी है। बहुत ही आसान सी है, लेकिन किसी को कोई कोई होते हैं जिसको बनाना भी नहीं आता है, इससे बहुत अच्छी बनती है।
ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। थैंक यू देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा।